हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आपका स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। आई होप कि आप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और मेरे घर में ये देख सकते हो आप कैसा फैलावा फैला हुआ है हर जगह। थोड़ा बहुत है, ज़्यादा नहीं है। तो मेरा छोटा सा ही रूम है गाइस। तो कल मेरे हब्बी जी का, मतलब मेरे हस्बैंड जी का बर्थडे है और मैं उनको कुछ सरप्राइज देना चाह रही हूँ। सो गाइस, लो बजट है, हर चीज़ है, इतने ज़्यादा पैसे नहीं खर्च नहीं करना है क्योंकि थोड़े सेफ करना है पैसे। आपको तो पता ही है ब्लॉग में चल क्या रहा है। तो बस गाइस, तो मैंने एक छोटी सी प्लानिंग कर रही हूँ, छोटा सा डेकोरेशन कर रही हूँ मेरे घर में, जो आपके साथ शेयर कर रही हूँ मैं। तो बस बताती हूँ मैं आपको। ये एक साड़ी है जो मेरी है, प्यारी सी है, कलर बहुत लाइटली था। तो है ना, क्या बनाना है, एक्चुअली टेंट हाउस बनाना है, छोटा सा छोटा सा बनाना है टेंट हाउस। और बस ये मैं प्रोसेस कर रही हूँ, ये रेडी होकर मैं आपको बताती हूँ कैसा बनाया है। फिर अभी बलून्स भी फुलाने हैं, इनमें लाइट्स भी लगानी है, बहुत सारी चीज़ें करनी है। तो मैं आपके साथ धीरे धीरे करके सारी शेयर करूँगी गाइस, क्योंकि मैं सरप्राइज़ दूँगी अपने हस्बैंड को। कल उनका बर्थडे है, तो आज रात को मैं उनका बर्थडे सेलिब्रेट करूँगी बहुत अच्छे से। तो वैसे भी वो लेट आएंगे आज 11:30 बजे तक, तो मैं आज पूरा दिन भर में कंप्लीट कर लूँगी सब कुछ। तो मैं आपके साथ सब कुछ शेयर करूँगी, तो आप मेरे ब्लॉग में बने रहे कंटिन्यू। सो गाइस, मैं फाइनली बहुत थक गई हूँ। ये मैंने बेडशीट लगा दी है, देख सकते हैं आप, अच्छे से हम नीचे ही सोते हैं बढ़िया अच्छे से। और ये मैंने अब पहले वन साड़ी का यूज़ किया था, अब ये टू टू साड़ीज़ हो गई, क्योंकि ये ना बहुत मतलब मुश्किल हो रहा था लगाना, वो कम पर छोटी पड़ रही थी, इसलिए फिर मैंने दो साड़ी एडजस्ट की हैं। फिर गाइस बस इतना ही हुआ है, थक गई हूँ, और जल्दी से ये भी कंप्लीट करती हूँ हाउस बना के, फिर मैं आपको ब्लॉग में कंटिन्यू करती हूँ। फ्रेंड्स, मैंने बना लिया है और आपको मैं दिखाने वाली हूँ। सिर्फ अभी टेंट ही बनाया है, देख सकते हैं आप, दो साड़ियों से बनाया है मैंने, देख लीजिए कैसा लग रहा है। अब मैं इसको थोड़ा अच्छे से डेकोरेट कर लेती हूँ, फटाफट इसमें तकिया वगैरह जमा देती हूँ अच्छे से, फिर पूरा जब तक कंप्लीट हो जाएगा फिर मैं आपको फाइनल लुक इसका दिखाऊंगी। मैंने मतलब थोड़ा बहुत तैयारी इसकी पूरी कर ली है, मैं आपको बैठ के दिखाती हूँ। देखो ये देख सकते हो आप, यहाँ पर मैंने एक दो, मेरे पास एक टेडी रखा था, एक हार्ट रखा था, और बाकी पिलोज़ हैं वो मैंने लगा दिए हैं, आप देख लीजिए। अभी इतना ही है, अभी तो मुझे बलून्स भी फुलाने हैं। अभी शाम के बज रहे हैं 4, मुझे बलून वगैरह भी फुलाने हैं गाइस। तो मैं जल्दी जल्दी कर लेती हूँ, और फिर कब टाइम घट जाएगा जल्दी से पता ही नहीं चलेगा। और फिर मैं ये जब वो आएंगे, जब उन्हें सरप्राइज़ दूंगी। सो गाइस, ये मेरा फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट में आपको मैं वो सेलिब्रेशन बताऊंगी। ये मेरा डेकोरेशन का था जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। तो आप भी अपने हब्बी के लिए अच्छे से अच्छे डेकोरेशन करें, जब भी उनका बर्थडे हो अच्छे से सेलिब्रेट करें गाइस। तो ये अभी अनकम्प्लीटेड है, अभी मुझे इसको कम्प्लीट करना है। सो मैं आगे आपको मिलती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको बोला था कि मैं थोड़ा कंप्लीट कर लूँगी, तो मैं आपको बता दूँगी कि देखो ये मैंने कंप्लीट कर लिया है, मैं आपको दिखा देती हूँ अच्छे से। मैंने यहाँ से इतना ये रील्स वगैरह लगा ली हैं, और इसमें ये सीरीज़ ये होती है ना, ये लगा के रख ली है मैंने, और बस इतने ही ये कंप्लीट कर लिया है। बाकी सब रूम वगैरह भी अच्छे साफ़ है, बस ये बलून्स रखें, बस इन्हें फुलाना है। कुछ बलून्स हैं और यहाँ भी कुछ बलून्स पड़े हुए हैं, तो इन्हें बस फुला के अच्छे से डेकोरेट करना है। तो वो मैं थोड़ी देर बाद करूँगी गाइस, तो बस बने रहे मेरे ब्लॉग में। पूरा मैं डेकोरेशन आपको लास्ट तक दिखाऊंगी कि मैंने फाइनली कैसा डेकोरेट किया है, बने रहे। हेलो फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ फिर से मेरे वही ब्लॉग में कंटिन्यू करने। मैंने आपको बोला था कि मैं जब पूरा डेकोरेशन हो जाएगा तब मैं दिखाऊंगी आपको। सो गाइस, सब कुछ रेडी है, बस वो केक होगा जो हम लाएंगे रात को 12 बजे, मैं लेकर आऊँगी। मैंने वैसे तो ऑर्डर कर दिया है, तो 12 बजे मैंने उनसे बात कर ली, वो तो आएगा। तो मैं उसका ब्लॉग आपको पार्ट 2 में बोलूँगी। मैंने अभी ब्लॉग में पहले भी स्टार्टिंग में बोला था कि ये पार्ट 1 है, क्योंकि मैं आपको डेकोरेशन का शेयर कर रही हूँ, और फिर जब बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, जब उनको सरप्राइज़ देंगे, तो वो दूसरा ब्लॉग होगा, वो दूसरे पार्ट में आपको देखना पड़ेगा। तो ये 1 पार्ट आपके लिए कंप्लीटेड है। तो आप मेरा बताएं डेकोरेशन कैसा हुआ है, मैं आप लाइट पूरी ऑन कर देती हूँ गाइस, फिर आपको मैं पूरा फाइनल लुक दिखाती हूँ। सो फ्रेंड्स, देखिए ये मैंने अपने खुद हाथों से डेकोरेट किया है खुद। मेरे पास पर्दे नहीं थे कॉटन्स, तो मैंने सिर्फ अपनी साड़ी से आपको बताया था कि मैं कैसे अरेंज कर रही हूँ अपने प्यार से पति के लिए गिफ्ट।
देखिए क्यूट सा टेडी रखा हुआ है वहां पर, कितना प्यारा लग रहा है। ये लाइट्स वगैरह अभी यहाँ पर मैं केक लेकर आऊंगी तब वहां रखूंगी। ये पूरा फाइनल लुक है, आप देख सकते हो कैसा लगा, और कमेंट में जरूर बताएं अगर आपको डेकोरेशन, प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। और ये मैंने दिन भर से मेहनत की गाइस, एक लाइक एक कमेंट तो जरूर बनता है मेरे ब्लॉग में। बाय, आज के लिए इतना ही, और बाकी मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय, टेक केयर गाइस।